महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ऋतु आर्या लेकर कार्यक्रम महकता आंचल। महकता आंचल की आज की कड़ी में हम बात करेंगे महिलाएं और धूम्रपान की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, तंबाकू का चलन या इतिहास की अगर हम बात करें तो ये करीब 3000 से 5000 ईसा पूर्व काल में हुआ था और कई सभ्यताओं ने इसे धार्मिक अनुष्ठानों के मौके पर सुगंध के लिए भी उपयोग में लिया जाता था, जिसे फिर धीरे धीरे आनंद प्राप्त करने के रूप में अपनाया जाने लगा। तंबाकू या धूम्रपान का व्यापारिक प्रचलन करीब 1500 के दशक के अंतिम चरण में चला, जहां इसे साझा व्यापारिक प्रचलन में अपने को स्थापित करने का मौका मिला। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये पदार्थ हमेशा से ही आलोचना झेलता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे लोकप्रियता मिलती है। आखिर कब और कैसे आया भारत में तंबाकू और नशा? कहा जाता है कि भारत में अकबर बादशाह के पूर्व तंबाकू के प्रयोग का पता भी नहीं चला था। साथ ही कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में बर्नीर नामक एक पुर्तगाली आया तो उसने अकबर बादशाह को तंबाकू और जड़ाव की चिलम भेंट की। बादशाह को चिलम बड़ी पसंद आई और उसने चिलम पीने की तालीम भी उसी पुर्तगाली से ली थी। अकबर को धूम्रपान करते देखकर उसके दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी भी इच्छा तंबाकू के धुएं को गले में भरकर बाहर फेंकने की हुई। इसी प्रकार भारत में सन 1609 के आसपास धूम्रपान की शुरुआत हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार तंबाकू को सबसे पहले अकबर बादशाह का एक उच्च अधिकारी बीजापुर से लाया था और उसे सौगात के तौर पर बादशाह को भेंट किया था। तब भारत के लोगों ने तंबाकू को चिलम में रखकर पिया था। वैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। प्रारंभ में अमेरिका में लोगों ने तंबाकू को पत्ते में लपेटकर बीड़ी के रूप में पिया और इंग्लैंड के लोगों ने तंबाकू को कागज में लपेटकर सिगरेट के रूप में इस्तेमाल किया था। और भारत में हुक्के की शुरुआत मुगल काल के दौर में ही हुई थी। 15वीं सदी में अकबरी सल्तनत में वैद अब्दुल ने हुक्के का आविष्कार किया था। उसका कहना था कि पानी के माध्यम से होने वाले धूम्रपान से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि सोधू में यह तथ्य एकदम गलत साबित हुआ। जर्मन के एक वैज्ञानिक ने 1920 के आसपास धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर की पहचान की और 1965 से 1980 के बीच इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी सामने आए हैं, लेकिन इसका प्रयोग आज भी जारी है। पुरुषों में तो इसका उपयोग होता ही है, लेकिन महिलाएं भी इसे अपना रही हैं। यूं तो बहनों, धूम्रपान से किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन महिलाओं के लिए यह और भी घातक हो रहा है, क्योंकि महिलाएं एक माँ भी होती हैं। कभी उनकी कोख में बच्चा होता है तो कभी उनकी गोद में दूध पीता बच्चा होता है। आखिर इसका असर क्या पड़ता है महिला के साथ साथ उसके बच्चे पर, आइए जानते हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होती है, जिस वजह से कि वो जल्दी इनकी गिरफ्त में आ जाती हैं। जैसे कि कोई महिला सिगरेट पी रही है, सिगरेट बीड़ी ले रही है, गुटखा खा रही, तंबाकू ले रही, क्योंकि उसकी नेचुरल इम्यूनिटी भी लेस होती है, प्लस पुरुषों की अपेक्षा उसका शरीर थोड़ा सा ज्यादा कोमल होता है, तो इस वजह से उन्हें बीमारियां और जल्दी पकड़ने की ज्यादातर संभावना रहती है। सर बिल्कुल, जैसे बीमारियों की आपने बात करी तो महिलाओं को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियों की संभावना होती है इससे? अधिकतर मैंने पहाड़ों में ये देखा कि महिलाएं बहुत ज्यादा सिगरेट बीड़ी का सेवन करती हैं, तंबाकू का सेवन करती हैं, या फिर कोई महिला है वो हुक्के वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि अधिकतर उनको फेफड़े संबंधित दिक्कत होती है कि सांस फूलना है और उसके साथ लंग कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, थ्रोट कैंसर जिसको गले का कहते हैं उसको होने की ज्यादा चांसेस होते हैं।
सर बिल्कुल, जैसे कोई गर्भवती महिला है या वो गर्भावस्था के दौरान या फिर बाद में अगर धूम्रपान करती है तो इससे उसके बच्चे पर धूम्रपान का क्या असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, असर पड़ सकता है क्योंकि उसके ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो जाहिर सी बात है कि दूध के थ्रू या अगर वो गर्भवती है तो उसके ब्लड के थ्रू बच्चे में इफेक्ट डाल सकता है। सर जैसे क्या क्या? जैसे कि मेनली सबसे पहले कॉज तो ये करता है कि ये कैंसर ही करता है। दूसरा ये होता है कि बाद में क्या होता है कि जो लोग तंबाकू लेते हैं उनको हेरिडेटरी अस्थमा शुरू हो गया, बाद में की सांस संबंधी रोग हो गए या गले संबंधी रोग हो गए, या फिर बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके मेंटल रिटार्डेशन हुआ, दिमागी ग्रोथ उतनी प्रॉपरली नहीं हो रही है, ये चीजें बीमारी होती है उसमें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ही गौर से सुना होगा। हमें विश्वास है अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ देंगे, अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो उसके आसपास भी नहीं जाएंगे, या फिर आपके परिवार में जो धूम्रपान करता है उसे इस जहर से दूर रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार का नशा करने वाले को नशा करने का बहाना चाहिए, ये तो आप भी मानते होंगे। चलो आप माने या ना माने, यह बहाना खुशी में भी तलाशा जा सकता है और गम में भी। वे प्रत्येक खुशी के मौके पर नशे में आनंद करने की तलाश करते हैं। यदि मौका किसी दुख या परेशानी का हो तो इसका समाधान भी वो केवल नशे से ही तलाश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नशा करने वालों को इसके लिए केवल बहाना चाहिए। नशे का गुलाम बनने के लिए व्यक्ति स्वयं ही तत्पर रहता है। इसके विपरीत ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी भी हालत में स्वयं को नशे से दूर रखने का प्रयास करते हैं, इसमें वे सफल भी रहते हैं। इन सब के पीछे व्यक्ति की इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है वे शीघ्र ही नशे के आगे समर्पण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो कठिनाइयों का सामना ठीक प्रकार से कर पाते हैं, न किसी खुशी के मौके पर पूर्ण आनंद ले पाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, वे कभी भी नशे के गुलाम नहीं बन पाते। वे कठिनाई का ठीक प्रकार से मुकाबला कर पाते हैं और प्रत्येक खुशी के मौके का पूरा आनंद लेते हैं। एक वाक्य सुनाते हैं आपको इसी नशे का। रामलाल और परसोत्तम लाल पड़ोसी थे। रामलाल आर्थिक दुर्वारियों के चक्कर में उलझा हुआ था, बहुत परेशान था। एक दिन परसोत्तम लाल उसके पास आया, रामलाल की परेशानी के बारे में सुना तो तुरंत बोला, इस परेशानी को दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। रामलाल ने पूछा कि क्या तरीका है। परसोत्तम लाल ने तरीका बताया कि शराब का एक बड़ा जाम आंख बंद करके चढ़ा ले, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रामलाल ने कहा, शराब पीने वाली बात जमी नहीं, शराब आदमी को बेहोश कर देती है, परेशानियां दूर नहीं करती। मैं इस समय बेहोश हो जाने के स्थान पर होश में रहना चाहता हूं, ताकि विचार कर सकूं कि यह परेशानियां क्यों आई हैं, ये कैसे दूर होंगी। नहीं परसोत्तम लाल, आज शराब नहीं, फिर कभी कोई मौका होगा तो देखा जाएगा। समय बीतता रहा, धीरे धीरे रामलाल के दिन सीधे आने लगे, व्यापार चल निकला। तभी बड़े बाजार में उसने विशाल शोरूम लिया, उद्घाटन पर पार्टी रखी, परसोत्तम लाल भी शामिल हुआ। जब सब लोग चले गए तब वह रामलाल से बोला, आज बहुत खुशी का मौका है, क्यों ना आज शराब की बोतल खोली जाए, जाम टकराया जाए। रामलाल ने शालीनता से जवाब दिया, वास्तव में आज खुशी का मौका है और मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए आज शराब नहीं। मैं इस खुशी को अपने परिवार के साथ मिलकर बांटना चाहता हूँ, मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। शराब पीने के बाद तो आदमी बेहोश हो जाता है, मैं होश में रहना चाहता हूँ ताकि इस खुशी का भरपूर आनंद ले सकूँ, इसलिए आज शराब नहीं, फिर कभी कोई मौका आया तो देखेंगे। तो करेंगे ना आप लोग भी रामलाल जी की तरह कुछ समझदारी का काम, तो वाकई कुछ नैतिक सीख लेने की बात थी इस कहानी से। और मैं करता हूँ आगे चलकर तंबाकू और सिगरेट के बारे में अन्य लोगों से कुछ बातचीत। हर फिक्र को धुएं ने उड़ाता चला गया, ओ फिक्र को धुएं में, धुएं से सिगरेट,
नाम आता है और एक सिगरेट पीते हुए मुझे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं, भाई आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? आप सिगरेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बस ऐसे ही शौक के लिए। शौक क्या होता है मालूम? इससे स्वास्थ्य खराब होता है, शौक तो रही दूर। सभी पीते हैं तो इसलिए हम भी इंजॉय करने के लिए कभी कभी पी लेते हैं। मालूम है कम से कम 90% लोगों को सिगरेट पीने से कैंसर जैसा रोग और 50% लोगों को दमा की शिकायत हो सकती है। इस बारे में हमें तो मतलब पता नहीं है। अगर सोचिए ये हालत अगर आपके साथ हो जाए फिर। नहीं ऐसा नहीं, हम अभी से इसको धूम्रपान का त्याग करते हैं। ये माइक के सामने कह रहे हैं या आप सच में कह रहे हैं? सच में। अच्छा तो सिगरेट तो आपने छोड़ दी है लेकिन आप गुटखा खाते हैं क्या? जी सर बिल्कुल। ओ एक नहीं दो दो चीजें, गुटखा भी और सिगरेट भी। क्या मालूम है गुटके तो सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं सर इतना मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो हम खाते नहीं इसको। देखिए ये आपके और आपके जैसे नौजवान युवकों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अगर आप एक इज्जतदार और एक न एक इंसान के रूप में समाज के सामने पेश होना चाहते हैं तो क्या आप सिगरेट के सहारा लेके जियेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं सिगरेट नहीं गुटखा। तो छोड़ेंगे ना गुटखा? जी सर बिल्कुल। हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी एक युवा पीढ़ी कह रही है कि छोड़ो। श्रोताओं आप लोग धूम्रपान को अगर आज से छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये फैसला आपके लिए शायद एक उचित भविष्य तलाशेगा। लेकिन धूम्रपान अगर आप लोग छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं और इसके बाद आप सोचिए आपको सिगरेट पीनी है या छोड़नी है। धूम्रपान करने वालों की संख्या 1.10 करोड़ है। इनमें से 80 करोड़ विकासशील देश के हैं और 30 करोड़ विकसित देश के। ये लोग लगभग 600 करोड़ सिगरेट एक वर्ष में पी जाते हैं। भारत में रोज 55 करोड़ और पूरे वर्ष में 2000 करोड़ सिगरेट पी जाते हैं। विकसित देशों में 41% पुरुष एवं 21% महिलाएं नियमित रूप से धूम्रपान करती हैं। विकासशील देश में 50% पुरुष और 8% महिलाएं धूम्रपान करती हैं। तंबाकू से मरने वालों की संख्या 3 मिलियन है। इनमें एक तिहाई विकासशील देश के होते हैं। भारत में दिल के दौरे, कैंसर, अंगघात, ब्रोंकाइटिस आदि रोगों से लगभग 13 लाख लोग प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 2200 करोड़ रुपया तंबाकू जनित बीमारियों के इलाज पर खर्च होता है। भारत में कैंसर से 10%, सांस की बीमारी से 70%, दिली बीमारी से 25% मृत्यु का कारण धूम्रपान है। भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज में औद्योगिक इकाइयां अपने कर्मचारियों के इलाज हेतु 3000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष नुकसान उठाती है। भारत में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में तंबाकू की खेती की जाती है। भारत में 44 करोड़ किलो तंबाकू उत्पादन के लिहाज से भारत तीसरे स्थान पर है। सिगरेट की कीमत 1-1 पैसा बढ़ा दी जाए तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी को हर साल 200 करोड़ रुपए का लाभ होगा। सांख्यिकी और नियोजन विभाग के अनुमान के अनुसार 1989 और 90 में तंबाकू सेवन करने वालों द्वारा किया गया मासिक खर्च लगभग 5060 करोड़ रुपए था, जो कि 1991-92 में बढ़कर 7964 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। तंबाकू के इस्तेमाल से सन 2020 के बाद हर वर्ष 1 करोड़ लोग मरेंगे। श्रोताओं इन आंकड़ों को सुनकर सोचने और चिंतन होने पर हमको विवश होना पड़ रहा है। आखिर हमारे देश और देशवासियों का भविष्य कैसा भयावह दिखाई दे रहा है। सरकार और राजनीतिक दलों को तो इस मामले में चिंता तो क्या सोचने की भी फुर्सत नहीं है। कुछ करने धरने का तो सवाल ही बेकार है क्योंकि आपसी खींचतान और उखाड़ पछाड़ ने सबको उलझा रखा है। आजकल मादक पदार्थों के सेवन से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे देश के प्रदेशों में मुंह और गले के कैंसर के मामलों की तादाद काफी बढ़ी हुई है, जिसका कारण है तंबाकू और पान मसालों, गुटखा आदि की खाने की लत। डॉक्टरों का कहना है कि यद्यपि मेडिकल साइंस ने काफी उन्नति कर ली है फिर भी इन रोगों को 100% लाभकारी इलाज अभी संभव नहीं है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि गुटखा या पान मसाला खाने जैसी बुरी आदत पर काबू पाने के लिए स्कूल के बच्चों को जागरूक कराने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा था कि धूम्रपान से किसी का भला नहीं होता है क्योंकि धूम्रपान करने वाले की औसत आयु लगभग 10 वर्ष घट जाती है, मतलब 65 वर्ष जीने वाला महिला या पुरुष 55 वर्ष की आयु में ही मौत के मुंह में चला जाता है। इसका सबसे अधिक असर हृदयघात और लकवा होता है, लेकिन
इसके अलावा अगर हम परिवार में धूम्रपान करते हैं तो परिवार के बच्चों के सासों में भी जहर घोलते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जब घर के बुजुर्ग छोटे बच्चों को बीड़ी जलाने के लिए देते हैं, जिस कारण हमारी वो पीढ़ी उस कार्य यानी मतलब धूम्रपान को करने के लिए लालायित होती है, क्योंकि उसके सयाने उसकी प्रेरणा बनते हैं, जिसे हम इस जहरीली राह पर चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा धूम्रपान करने वाले महिला या पुरुष में हार्ट अटैक, दमा या किडनी रोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। फिर भी हम इसे होठों से क्यों लगाते हैं? क्या हमें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, या फिर हमें इसके दुष्परिणामों की जानकारी नहीं? क्या हम सब जानते बूझते इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इन सबका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हमें अपने आप से मिलेगा। जरा सोचिए इस बारे में। आइए नजर डालते हैं तंबाकू में पाए जाने वाली विष और उसके दुष्परिणामों की। तो सबसे पहले हम जानते हैं निकोटीन। निकोटीन की वजह से कैंसर, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वजह से दिल की बीमारी, दमा व अंधापन होता है। मार्स गैस, इसकी वजह से शक्तिहीनता व नपुंसकता जैसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अमोनिया, इसकी वजह से पाचन शक्ति में कमी व पित्ताशय से जुड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। कोलोडान, इसकी वजह से स्नायु दुर्बलता व सिरदर्द आदि परेशानियां होती हैं। पापरिडिन, इसकी वजह से आंखों में खुश्की होती है। कार्बोनिक एसिड, इसकी वजह से व्यक्ति में हर समय चिड़चिड़ापन होता है। परफेरोल, इसकी वजह से दांत पीले पड़ जाते हैं व कमजोरी महसूस होती है। एजालिन साइनोजोन, इसकी वजह से रक्त विकार जैसी परेशानियां हो जाती हैं। फास्फोरल प्रोटिक एसिड, इसकी वजह से उदासी, टीवी, खांसी व थकान आदि समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। क्या आप जानते हैं तंबाकू में निकोटीन, कोलतार, आर्सेनिक एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस समाहित होती है। साथ ही तंबाकू का विषैला प्रभाव मनुष्य के रक्त को बुरी तरह दूषित करता है तथा तंबाकू में निकोटीन के रूप में सबसे बड़ा विष मौजूद होता है, जिससे हमारी सूंघने की शक्ति तथा आँखों की रोशनी कम होने लगती है। निकोटीन विष के कारण कभी कभी हमें चक्कर भी आने लगते हैं।